डिप्टी कलेक्टर निशा बांगरे के चुनाव लड़ने की अटकलें और भी ज्यादा तेज हो गई हैं। निशा बांगरे ने फिर पीसीसी चीफ कमलनाथ से मुलाकात की, जिसके बाद उनकी उम्मीदें और ज्यादा बढ़ गई हैं। कमलनाथ ने दिल्ली आला कमान से चर्चा के बाद फैसले का आश्वासन दिया, तो वहीं मीडिया से बातचीत में निशा बांगरे ने कहा कि विचारधारा समानांतर होने के कारण मैंने कांग्रेस को चुना है। बीजेपी ने मेरा इस्तीफा जानबूझकर रुकवाया था। निशा बांगरे ने बुधवार को भी छिंदवाड़ा पहुंचकर कमलनाथ से मुलाकात की थी। तो पूर्व डिप्टी कलेक्टर हैं निशा बांगरे, जो कि अपना प्रशासनिक अनुभव लेकर अब चुनावी मैदान में उतरने को पूरी तरह से तैयार हैं, लेकिन क्या कांग्रेस की ओर से उन्हें टिकट मिलेगा, ये एक सस्पेंस बना हुआ है। कमलनाथ से मुलाकात की जा रही है। बीती रात भी उन्होंने मुलाकात की थी और आज फिर उनके निवास पर पहुंचकर पीसीसी चीफ से मुलाकात की, लेकिन क्या कांग्रेस उन्हें टिकट देगी, ये एक बड़ा सवाल है। और अगर नहीं मिला तो निर्दलीय चुनावी मैदान में उतरने की बात उनकी ओर से साफ तौर पर बंसल न्यूज से खास बातचीत में कही जा चुकी है। उम्मीदें बढ़ चुकी है, लेकिन फैसला हाईकमान को लेना है और उसके बाद ही हाईकमान का संदेश कमलनाथ निशा बांगरे तक पहुंचाएंगे। कहा गया था कि हम इंतजार करेंगे इस्तीफा होने का, अब इस्तीफा हो चुका है, तो मैं वही कमलनाथ जी से बात करने आई हूँ कि उनका क्या मत है। अब तो निशा बांगरे को सुन रहे थे आप, जिस तरीके से आमला सीट पहले होल्ड की गई थी कांग्रेस की तरफ से, लेकिन बाद में यहाँ पर प्रत्याशी का ऐलान हो गया। माना ये जा रहा था कि निशा बांगरे यहाँ से चुनावी मैदान में उतरेंगी, लेकिन कांग्रेस पार्टी ने यहाँ से प्रत्याशी का ऐलान कर दिया और ऐसे में अब निशा बांगरे जो हैं चुनावी मैदान में उतरना चाहती, उन्होंने साफ कह दिया या तो निर्दलीय लड़ेंगे या फिर कांग्रेस पार्टी अपना स्टैंड क्लियर करे। और चलिए ज्यादा जानकारी के साथ हमारे साथ संवाददाता अमित लाइव जुड़ गया, सीधा उनका रुख कर लेते हैं। अमित, निशा बांगरे को लेकर अभी स्थिति साफ नहीं हो पा रही है, आज फिर मुलाकात होगी, क्या लग रहा है अब जो है स्थिति साफ होती हुई नजर आएगी? क्योंकि अगर आमला से चुनावी मैदान में कांग्रेस पार्टी को निशा बांगरे को उतारना है तो बदलाव वहां पर करना होगा। जी बिल्कुल सही है, निशा बांगरे लगातार छिंदवाड़ा आ रही हैं। कल देर शाम भी छिंदवाड़ा में पहुंची थी, जहाँ पर पीसीसी चीफ कमलनाथ से उनकी मुलाकात हुई। इसके बाद आज सुबह भी निशा बांगरे छिंदवाड़ा पहुंची है, जहां पर पीसीसी चीफ कमलनाथ से उनकी मुलाकात हुई है। मुलाकात के बाद उन्होंने जब बंसल न्यूज से बात की तो उन्होंने साफ कहा है कि वो कांग्रेस से प्रयासरत हैं, टिकट के लिए कोशिश कर रही है कि कांग्रेस उन्हें टिकट दे दे, और यदि टिकट नहीं हो पाएगी तो वो निर्दलीय लड़ने का भी मन बना रही है। एक तरह से असमंजस की स्थिति है। कांग्रेस ने वहां पर अपना प्रत्याशी घोषित कर दिया है आमला विधानसभा में, अब प्रयास कर रहे हैं कि वहां से प्रत्याशी बदला जाए। कांग्रेस ने अभी कुछ प्रत्याशी बदले हैं, बदले हुई स्थिति को देखते हुए उन्हें लग रहा है कि आमला से भी उनकी टिकट में बदलाव होगा और कांग्रेस उन्हें अपना प्रत्याशी बनाएगी। निशा बांगरे इस समय छिंदवाड़ा में मौजूद है और इसके साथ आज मैं बता दूं कि छिंदवाड़ा में पीसीसी चीफ कमलनाथ अपना नामांकन दाखिल करेंगे। बिल्कुल अमित बने रहेगा, आगे भी आपसे बात करेंगे। महत्वपूर्ण खबर आपने बताई है, निशा बांगरे उम्मीदें लगाकर बैठी हैं, लेकिन पार्टी क्या फैसला लेगी ये देखने वाली बात होगी। लेकिन